आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट्स ये प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्लांट है जिन्होंने लैंड पे कॉलोनाइज किया। इन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के मुताबिक पढ़ना है। ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए दो तरह की जनरेशन होती है, एक को स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, एक को गैमेटोफाइट। ये दोनों जनरेशन एक दूसरे को प्रोड्यूस करती है, इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। अब इसमें जो पहली जनरेशन है उसे हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। ये गैमेटोफाइट जनरेशन क्योंकि ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी थैलस है, थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते, इसमें ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे राइजाइड कहते हैं, ठीक है, और ये इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें गैमेटोफाइट जनरेशन है जो कि हैप्लॉइड है। ये गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट जनरेशन ब्रायोफाइट के केस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है इनमें फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड खुद से प्रिपेयर कर सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट जनरेशन है, ठीक है। ये गैमेटोफाइट जनरेशन इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहलाते हैं जो कि माइटोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो एंथ्रीडिया है ये मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो एंथीरोजॉइड्स बनाएगा। ये गैमेट है, मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट मोटाइल होता है और प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। आर्चिगोनिया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तकरीबन इस फॉर्म में आर्चिगोनिया होता है जिसके अंदर यहां पे एक ओवा मौजूद होता है, एक ओवा यहां पे एग या ओवा यहां पे मौजूद होता है, ठीक है। ये आर्चिगोनिया एग या ओवा प्रोड्यूस करता है। अब ये एंथीरोसाइट और एग विल कंबाइन, ये आपस में कंबाइन करेंगे जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स को, और आपने पढ़ा ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं, इसके ये जो एंथीरोसाइट्स हैं इन्हें एग तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत है, दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, इन्हें वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। सो एंथीरोसाइट कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट टुवर्ड द आर्चिगोनिया एंड देन फर्टिलाइज द एग, एज अ रिजल्ट डिप्लॉइड जाइगोट विल फॉर्म। डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो इससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा, दिस डिप्लॉइड एम्ब्रियो रिमेन विद इन द इनसाइड दिस आर्चिगोनिया, ये आर्चिगोनिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है। फिर इससे स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी जो कि डिप्लॉइड होगी क्योंकि एम्ब्रियो डिप्लॉइड था, ठीक है। ये माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करेगा और स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। अब इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये मोस्टली इधर गैमेटोफाइट के ऊपर ही लगी होती है। इसके तीन हिस्से हैं, फूड सीटा कैप्सूल, ये पहला हिस्सा जो गैमेटोफाइट के अंदर गया हुआ है, फूड, ये सीटा और ये कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट जनरेशन ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट जनरेशन लेस कॉन्स्पिकुअस एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस गैमेटोफाइट, ठीक है। ये इसका ये जो पार्ट है इसे कैप्सूल कहते हैं, इसमें स्पोर मदर सेल्स होते हैं, इनमें मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स बने हैं, अगर तो ये सारे के सारे स्पोर एक जैसे हो तो हम कहेंगे होमोस्पोरिक, अगर ये डिफरेंट काइंड्स के हो तो इसे हेटरोस्पोरिक का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं सेम काइंड ऑफ स्पोर, तो सेम काइंड ऑफ स्पोर को क्या देंगे, होमोस्पोरिक। ये स्पोर हैप्लॉइड है, भाई क्यों हैप्लॉइड है, क्योंकि मियोसिस हुई है। अब इससे नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी गैमेटोफाइट। सो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनी,
इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसमें गैमेटोफाइट ने गैमेट्स के जरिए स्पोरोफाइट जनरेशन बनाई, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स के जरिए गैमेटोफाइट जनरेशन बना दी। सो दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यू कैन से हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिकॉज दीज टू जनरेशन आर डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस वन गैमेटोफाइट एंड ये स्पोरोफाइट है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, इसलिए इनके लिए हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। शुक्रिया।